हे एवरीवन, दिस इज हेमा। वेलकम टू बीए प्रोग्राम एचडीएफई चैनल। आज जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है वो है इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, IWEP कहते हैं, और साथ ही साथ जो रेड कलर से लिखा गया है स्वयं सिद्ध योजना। आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम और साथ में ये स्वयं सिद्ध योजना क्यों लिखा गया है, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को अभी बनाए रखते हैं आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे पूरी वीडियो को, और इसका इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होगा, पता चलेगा आपको। तो इंतजार खत्म हो चुका है, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। ये जो बेसिकली प्रोग्राम बनाया गया था, ये वुमेन को एम्पावर बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए, और साथ में जो उनकी सोसाइटी में उनका जो स्थान है या उनका वर्चस्व है उसको बनाए रखने के लिए पहला प्रोग्राम था, ठीक है। इस तो अब बारी खत्म हुई है आपके कन्फ्यूजन दूर करने की। तो जो प्रोग्राम है, इसका सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो इंदिरा महिला योजना था, फिर इसका नाम बदलकर IWEP कर दिया गया, और फिर अब इसे स्वयं सिद्ध योजना के नाम से जाना गया, ठीक है। तो स्वयं सिद्ध योजना को अब हम पूरे डिस्क्राइब वे में पढ़ते जाएंगे, तो मैं रीडिंग ही लगाऊंगी और थोड़ा सा जो ऐसे टर्म्स आएंगे उसको समझाऊंगी, बाकी आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो WCD का, मिनिस्ट्री ऑफ WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने का पहला प्रोग्राम है, ठीक है ऐसा। तो ये जो है इंटीग्रेटेड महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है, जिसे 2001 में महिला समृद्धि योजना में विलय, यानी कि IWEP को महिला समृद्धि योजना में विलय अंदर कर दिया गया और मिक्स कर दिया गया, और इंदिरा महिला योजना को पुनः निर्मित करके शुरू किया गया, ठीक है, दोबारा बनाकर इसे शुरू किया गया था। IMY जो चली थी वो 1995 से 1996 में शुरू की गई थी, ठीक है। WCD मंत्रालय का ये पहला स्वयं सहायता समूह आधारित महिला सशक्तिकरण जो प्रोग्राम था, ठीक है, और अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रम भी उसमें शामिल हुए थे, महिला सशक्तिकरण के लिए था ही। योजना के उद्देश्यों में महिलाओं की स्थिति, सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक है, उनका स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, क्लीननेस या हाइजीन, या उनके जो लीगल राइट्स हैं, आर्थिक उत्थान कैसा है, और या फिर अदर सोशल, इकोनॉमिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के बीच आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा करना शामिल है, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत की आदत को मजबूत करना, क्योंकि ग्रामीण परिवारों में जो बचत है वो एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, इसलिए उनकी बचत की जो आदत है वो उनको और मजबूत करना, साथ में संस्थागत बनाना, ठीक है, और आर्थिक संसाधन जो हैं उन पर महिलाओं का नियंत्रण करना, ठीक है, और छोटे छोटे लोन के लिए महिलाओं को की पहुँच बनाना या सुधार करना, साथ ही साथ स्थानीय स्तर की योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, यानी कि लोकल लेवल पर जो भी योजना होती है, बनती है महिलाओं के लिए, उनमें उनकी भागीदारी हो, ताकि पता चले कि महिलाओं के सामने कौन सी जो है समस्याएं सामने आ रही हैं, ठीक है, और महिला और बाल विकास विभाग और अन्य विभागों की सेवाओं का अभिसरण करना, ठीक है। योजना के जो दीर्घकालिक उद्देश्य थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वो हैं महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण, महिलाओं का पूरे तरीके से सशक्तिकरण हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है, सोशली हो, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को, दोनों को प्राप्त करना है, ठीक है, और साथ ही साथ जहाँ से इनकम क्रिएट होती है उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से संसाधनों तक उनकी सीधी पहुँच बनाना और कंट्रोल करवाना, ठीक है। स्वयं सिद्ध के तहत महिला SHG का मुख्य उद्देश्य ये है। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक 4-5 वर्षों के लिए ब्लॉक विशिष्ट समग्र परियोजनाओं का निर्माण करना, उनका इम्प्लीमेंट करना, साथ ही साथ उनका सुपरविजन भी करना। इस प्रकार गठित यानी कि जो बनाए गए समूह है 5 साल के अंत तक एक आत्मनिर्भर मोड़ पर होना चाहिए। समूह को जुटाने और बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, यानी कि बारी बारी से उनकी जो भागीदारी है उनको देखते रहना, उनका सुपरविजन करना। इसके लिए जो है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा समुदायों को संलग्न करना और योजनाओं के अभिसरण के लिए नवीन योजनाएं शुरू की जाती हैं, ठीक है, यानी कि भागीदारी के लिए जो है स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है समुदाय को इकट्ठा करना और योजनाओं के अभिसरण के लिए नई योजनाओं जो है शुरू की जाती हैं। स्वयं सिद्ध ने ग्रामीण गरीब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार किया है। ये बेसिकली जो पैरा है वो बता रहा है कि क्या क्या अभी तक वृद्धि हुई है, किसमें कमी आई है, तो ये बताया गया है, ठीक है, फिर भी इसको रीड कर लेते हैं। स्वयं सिद्ध ने ग्रामीण गरीब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार किया है, और इसने गरीब महिलाओं की आय सृजन गतिविधियों के लिए कौशल वृद्धि प्रदान करने में मदद की है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। 2005 में एक बाहरी एजेंसी की मूल्यांकन रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि स्वयं सिद्ध योजना के ब्लॉक में महिलाओं ने समाज में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत किया है, और शराब, दहेज या कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं, इश्यूज जो होते हैं, उनके बारे में जागरूकता भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ SHG में शामिल होने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुनिश्चित रूप से सुधार हुआ है, और पंचायत स्तरों में महिलाओं सदस्यों की संख्या जो है बड़ी है, क्योंकि 33% जो है महिला आरक्षण होता है, इसलिए उनमें से कुछ स्थानीय निकायों के लिए चुनी गई हैं, जो भी स्थानीय
जो पद होता है उनके लिए उन्हें चुना भी गया है। यह योजना जो है 2008 में समाप्त कर दी गई थी और भारत ने यह इच्छा की है कि राज्य सरकारों को कार्यक्रम के दूसरे चरण में शुभारंभ तक स्वयं सहायता योजना के तहत गठित स्वयं समूहों को सौंप देना चाहिए। अब पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से। स्वयं सिद्ध योजना, ये आप लिख सकते हैं अगर आप 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है, और अगर आपको 15 मार्क्स में लिखना है तो आप जो मैं बताऊंगी वो करना, ठीक है। तो स्वयं सिद्ध योजना क्या है, हमने थोड़ा सा पढ़ी लिया है लेकिन फिर भी एक बार। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के वर्ष 2001 में उल्लेखनीय स्वयं सेवा सेवी योजना शुरू की थी, ठीक है। स्वयं सिद्ध योजना जो है एक शुरू की है 2001 में। यह योजना महिलाओं और बाल विकास के लिए बहुत आवश्यक और योग्य सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम आगे है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए पहला प्रोग्राम था। स्वयं सिद्ध योजना और बाल विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं का समग्र विकास है, कैसे महिलाओं को एक समाज में उनका दर्जा प्राप्त करवाया जाए, ठीक है। यह एक एकीकृत महिला IWEP जो है इंटीग्रेटेड है, जिसमें स्वयं सिद्ध योजना का विलय है और इंदिरा महिला योजना का, ठीक है, जिसे फरवरी 2001 में 650 ब्लॉक में लॉन्च किया गया था और जिसमें 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 238 इंदिरा महिला योजना ब्लॉक शामिल है, जिनका कुल बजट जो है 16.30 करोड़ रुपये है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह योजना इंदिरा महिला योजना WCD महिला की पहली स्व सहायता आधारित, मतलब महिला जो है खुद जो है अपनी हेल्प करेगी, ठीक है, आधारित महिला सशक्ति कार्यक्रम में सफल हुई, ठीक है। इंदिरा महिला योजना को 1995-1996 में देश के 238 ब्लॉकों में शुरू किया गया था और स्वयं सहायता समूह और ब्लॉक संघों और संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के गठन की योजना के तहत राज्यों को 12.20 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा महिला योजना के तहत लगभग 40,000 SSG का गठन किया गया था और खर्च 7.20 करोड़ किए गए थे, ठीक है। यह योजना बड़ी सफल नहीं हुई थी क्योंकि इसमें कुछ जो संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं था, ठीक है, कोई मतलब पहले से बनाया तैयार किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था और इसमें निगरानी सुपरविजन प्रशासनिक व्यय और आदि के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था, मतलब पहले अच्छी तरह से इसे बनाया नहीं गया था, ठीक है। इसमें कब कितना व्यय होगा, कहाँ व्यय होगा, कैसे सुपरविजन करनी है, तो ये इसका में पूरा प्रावधान कोई था ही नहीं, प्रोविजन था ही नहीं, ठीक है। इसका एक बेहतर संस्करण जो है 2001 की स्वयं सिद्ध योजना थी, ठीक है। जैसे बुक का पब्लिकेशन होता है दोबारा, वैसे ही इस योजना का जो पब्लिकेशन हुआ वो स्वयं सिद्ध योजना के रूप में हुआ जो 2001 में लागू की गई, ठीक है, जो जागरूकता सृजन के कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के कार्यक्रम की श्रृंखला के माध्यम से महिला को एम्पावर बनाने के लिए सूक्ष्म स्तरीय लोकल लेवल आय पैदा करने वाली गतिविधियों, ठीक है, जो भी लोकल लेवल पर हम इनकम जो है क्रिएट करते हैं उन गतिविधियों के माध्यम से, यानी कि महिला जो है अचार बनाना, ऐसे ऐसे काम करके, ठीक है, वो सारे काम करके आर्थिक ताकत की उपलब्धि और साक्षरता, ठीक है, ताकि उनकी आर्थिक डेवलपमेंट हो सके, उनको साक्षरता, स्वास्थ्य जैसी विभिन्न सेवा के अभिसरण की स्थापना करना चाहती है। ग्रामीण विकास आदि का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना ताकि एक मजबूत संस्थागत आधार बनाया जा सके। ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में शुरू किया गया था, ऑब्वियसली सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, कि महिलाएं अर्थव्यवस्था के समान खिलाड़ी हैं, महिलाओं का भी इतना कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैन जो है अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं वैसे ही महिला भी कर सकती है, ठीक है, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के रूप में भाग ले, ठीक है, श्रमिकों लेबर्स के रूप में भाग ले, या फिर परोक्ष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था की संख्या के रूप में, अर्थव्यवस्था की देखभाल करने के रूप में, ठीक है, भाग ले। राज्य सरकारें भी अपनी महिला आबादी का समान महत्व और अवसर देने के लिए उत्सुक हैं। राज्य का ध्यान केवल शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी पारंपरिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लैंगिक दृष्टिकोण के साथ सार्वजनिक व्यय, राजस्व और नीति के अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। वे महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का इरादा रखते हैं, ठीक है। महिलाओं को बेसिकली उन्हें डिपेंडेंट किसी पर ना बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, ठीक है, और साथ ही साथ उनको फ्रीडम मिले थोड़ी सी, ठीक है, वो अपनी स्वतंत्रता को भाव को जाने। योजना के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण भी महिलाओं और किशोर लड़कियों को स्वरोजगार उद्यम के शुरू करने में मदद करते हैं, ठीक है, जो योजना में बिजनेस में जो प्रशिक्षण होती है वो भी दी जाती थी, ठीक है। स्वयं सिद्ध योजना के उद्देश्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। दीर्घकालिक उद्देश्य विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण है, ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकली उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण होना और उन्हें सभी क्षेत्रों में चल रहे क्षेत्रीय कार्यक्रम में जुटने की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से संसाधनों तक सीधी पहुंच बनाना और साथ ही साथ उनका नियंत्रण भी सुनिश्चित करना। तो दीर्घकालिक उद्देश्य आगे बताते हैं। आत्मनिर्भर महिलाओं को के स्व सहायता समूह की स्थापना करना, यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये समूह की स्थापना करना, महिलाओं की स्थिति, ठीक है, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता कानूनी अधिकार अर्थशास्त्र उत्थान और अन्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में SHG के सदस्य में आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा करना उनके मामलों में, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को मजबूत करना, संस्थागत बनाना उसे और आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण करवाना, महिलाओं के माइक्रो
माइक्रो क्रेडिट तक पहुँच में सुधार करना, यानी कि छोटे छोटे जो लोन्स लेती लेना हो तो उन्हें उनके पहुँच बनाना, ठीक है। स्थानीय स्तर की योजनाओं में महिलाओं को शामिल करना, जो भी लोकल लेवल पर योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें उनको भागीदारी दिलाना, ठीक है। WCD और अन्य विभागों की सेवाओं का अभिसरण करवाना, ठीक है, जो भी अलग सेवाएं होती है। अगर आप ऐसे पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, और साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं कि महिला एम्पावरमेंट के लिए ये उद्देश्य था, ठीक है। साथ में सोसाइटी में उनमें उनकी स्थिति में बदलाव करना, उन्हें शिक्षित करने के लिए, ठीक है, ताकि वो लोकल लेवल पर मतलब जो भी लोन लेती हैं उनके जो प्रोसीजर होते हैं उनके लिए वो पढ़ी लिखी होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्वयं सहायता योजना के लाभ क्या क्या है। महिलाओं को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और महसूस की ज़रूरत को के अनुसार समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, जिसके बाद वे अन्य समूहों के साथ नेटवर्क बनाएंगी। अब लाभ होगा कि अगर वो थोड़ा सा सोशली और इकोनॉमिकली उनकी स्थिति थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो अन्य महिलाओं के साथ जो है उनके नेटवर्क बनाएगी, उनका मदद करेगी साथ में, ठीक है। सेकेंड है एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट और पंचायत अधिकारी पदाधिकारी प्रतिभागी सुविधा के रूप में, ठीक है। अब इसमें जो भी महिला आरक्षण होते हैं वो उनमें भागीदारी भी लेगी, ठीक है। दोनों सरकारी विभागों, एजेंसी और गैर सरकारी संगठन एनजीओ साथ ही जिला मध्य स्तर पंचायत संस्थान ब्लॉक स्तर पर परियोजना को लागू करने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। ये जो ऐसे से ये जो बताया गया है, ठीक है, वहाँ पर जो परियोजना लागू करी होंगी तो ये वहाँ पर होंगी, ठीक है। IWEP समाजों के पदाधिकारी महिलाओं सदस्यों में से चुने जाएंगे। जो भी IWEP समाज में के जो पदाधिकारी हैं, यानी कि जो ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, महिला सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, ठीक है, और जिसमें पदेन महिला सदस्य भी शामिल होगी। महिला सशक्तिकरण अधिकार के लिए महागठबंधन और नेटवर्किंग SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को सशक्त बनाने और सशक्त दबाव समूह के अलावा गठित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए एक सब्सिडी मुक्त दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और एकीकृत परियोजनाओं के लिए अलग अलग एजेंसियों के अभिसरण, एक खिड़की से विभिन्न योजनाओं के वितरण तक पहुँचाना, ये आप देख सकते हैं इसमें लाभ क्या क्या है। जो परियोजना है वो तीन चरणों में विभाजित की जाती है। सबसे पहले जो चरण है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करना, फिर सेकंड जो स्टेज है वो है समूह स्थिरीकरण, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है उनका स्टेबलाइजेशन करना और साथ में डेवलप करना। अब जो वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं स्टेबलाइज हुए हैं, ठीक है, तो बाद में उनके स्टेबिलिटी बढ़ाना और साथ ही साथ उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ाना, जो तीन चरण थे वो ये थे। लेकिन विभिन्न कारणों के से इन महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही है। जो उनसे कारण है वो ये हैं कि सबसे पहले जो स्वयंसिद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जो परियोजना के क्रियान्वयन और निगरानी को कमजोर करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं एम्प्लॉय हैं वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हो गई थी, जिसके कारण जो है जो परियोजना की इंप्लीमेंटेशन या फिर सुपरविजन करना था वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। सेकंड था हमारा जो स्वयंसिद्ध योजना का जो थोड़ा फैलाया गया, मतलब बहुत ही कम अवेयरनेस थी उस दौरान, ठीक है, तो इसलिए ये जो परियोजना था इसका इंप्लीमेंटेशन और सुपरविजन इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। स्वयं सहायता ग्रुप के तहत SHG ब्लॉक की लागत SHG को इनपुट की गुणवत्ता से समझौता करने के कारण कम थी, ठीक है, मतलब जो भी इनपुट्स आ रहे थे मतलब सॉरी आउटपुट्स आने थे वो नहीं आ पाए, ठीक है। फोर्थ है हमारा स्वयंसिद्ध योजना के तहत फंड ट्रांसफर राज्य वित्त विभाग के माध्यम से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजेंसी के लिए होता है, जो कि ज़्यादातर राज्यों का द्वारा सामना किए गए संसाधनों की कमी लंबी वित्तीय प्रक्रियाओं के कारण धीमी हो गई। जो भी मतलब जो हमने पढ़ा ऊपर कि इतने परसेंट मतलब इतने करोड़ रुपये लगाए गए थे इस प्रोग्राम में, तो जो उनके जो फंड ट्रांसफर का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, ठीक है, इसलिए उसका नहीं हो पाया। और साथ में जो रिसोर्सेज हम इसमें दिए गए थे प्रोवाइड किए गए थे तो वो भी नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ये भी कमज़ोर रहा। अब जो था इस योजना में सरकार का क्या योगदान रहा, ठीक है, तो आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, ये अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वरना रहने देना, ठीक है। साथ में साथ अब ये जो ये कैसे कार्य करता है, सबसे पहले जो समिति के सदस्य हैं वो जो मूल रूप से इस योजना को लागू करते हैं, ठीक है, जो समिति के सदस्य इस योजना को लागू करते हैं उनका मुख्य कार्य उस क्षेत्र की पहचान करना जहां इस योजना की को विशेष रूप से लागू किया जाएगा, यानी कि ऐसे क्षेत्र में लागू किया जाए जहां महिलाओं को पता हो कि ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तब वे SHG बनाने के लिए कुछ सिफारिशों के साथ दुनिया प्रदान करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्राधिकरण हैं जहां लोग इस योजना के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो ये योजना जो है यहाँ संपर्क प्राधिकरण से सॉरी जो लोग हैं वो इस योजना के लिए यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। सॉरी, पहला है नगर निगम, सेकंड ग्राम पंचायत जो होती हैं, NGOs हैं, साथ में एक विशेष क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, जो भी परियोजना चलाती है एजेंसी वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। परिणाम क्या था, अब इसने ग्रामीण गरीब महिलाओं की स्थिति में अविश्वसनीय वृद्धि की है और इससे गरीब महिलाओं के को आय सृजन जैसी गतिविधियों के लिए कौशल विकास प्रदान करने में मदद मिली है, ठीक है, तो यही वही है परिणाम जो हमने उसमें पढ़ा था कि महिलाओं में कहाँ कहाँ महिला जो है सोसाइटी में कैसी। अब बारी है परिणाम की, तो परिणाम क्या है कि परिणाम वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि महिलाओं में कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है, कैसे उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है या फिर कहीं तो सोशली एम्पावरमेंट हुआ है, कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में महिला की आगे उन्नति हुई है, और ये योजना जो है मार्च 2008 में ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। निष्कर्ष आप देख सकते हैं। Thank you for watching.